हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है ब्रेड पकौड़ा। देखिए, ब्रेकफास्ट में ब्रेड पकौड़ा बन रहा है और ये ब्लॉग बनाने के चक्कर में मुझे लग रहा है मेरा ब्रेड पकौड़ा थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया है। ठीक है गाइस, गैस को स्लो कर देते हैं हम। ठीक है, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है ब्लॉग बनाने के चक्कर में मेरी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए मैं कुकिंग ब्लॉग बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मुझे मतलब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं अच्छा बनने के चक्कर में। तो आज संडे है, हमारे लिए तो हर दिन एक जैसा ही है क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, हस्बैंड है नहीं घर पे, तो हमारे लिए तो हर रोज ही संडे है। सुबह सुबह 7:30 बजे गाइस, बच्चे सो रहे हैं, मैं जल्दी उठी हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 8 बज रहे हैं और आप देखिए मौसम, हमारे यहाँ गर्मियाँ चली गई हैं और बाकी जगह पर गर्मी स्टार्ट हुई है और हमारे यहाँ गर्मियाँ चली गई हैं। और सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मतलब ठंड लग रही है बाहर, आप ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते हैं, मतलब बहुत ठंडी हवा है। मैं आपको दिखाती हूँ नीचे कैसे पेड़ मेरे लहलहा रहे हैं, नीचे मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर है 20th फ्लोर से मैं आपको दिखा रही हूँ और आप देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं है, ऊपर पूरा बादल बादल हो रहे हैं, बिल्कुल भी धूप नहीं है, इतनी ठंडी हवा है। देखिए स्विमिंग पूल में पानी भी लहरा रहा है, पानी लहरों की वजह से झंझनाहट जैसी हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। देखिए हवा के कारण इतनी तेज हवा आती है ऊपर हमारे, देखिए गाइज़ हमारा मौसम बहुत अच्छा हो गया है और आई थिंक अब गर्मी वापस नहीं आनी चाहिए, बहुत तंग आ गए हम लोग गर्मी से। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर नहीं थी, मोस्टली जो टेम्परेचर है वो 30 तक रहा है 30 31 32, लेकिन जो फील आ रही थी गर्मी की वो 35 आ रही थी, लेकिन 35 में भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, तो उस वजह से या ये कह सकते हैं कि हम लोगों को उतना गर्मी अब झेलने की आदत नहीं है। पहले जब हम लोग दिल्ली में रहते थे तो आदत थी हम लोगों को गर्मी झेलते थे, 40 डिग्री टेम्परेचर तक आदत हो गई थी, लेकिन अब जब से मैं यहाँ पर आई हूँ 8-9 साल मेरे को होने को आ गए, तो अब आदत छूट गई है गर्मी की, इसलिए हम समर वैकेशन में कहीं जाते भी नहीं हैं उधर नॉर्थ में जाना, मतलब सोचने में भी डर लगता है कि इतनी गर्मी में उधर कैसे सर्वाइव करेंगे। बट हाँ, जब इंसान जहाँ पे रहता है वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो वही है कि अगर हम वहाँ पर रहेंगे परमानेंट अगर रहने लगे तो शायद हम लोग भी एडजस्ट कर जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे रहते हैं इसलिए बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना इतनी गर्मी में, बच्चों को हैबिट नहीं है। और जो मेरी बेटी है वो तो जब 1 साल की थी, 1 साल की भी नहीं थी, 10 महीने की थी, वो यहाँ आ गए थे हम लोग उसको लेके, और तब से हम लोग यहीं पर ही हैं और गर्मियों में मोस्टली हम लोग कभी नहीं गए हैं, शायद 1 आध बारी गए हैं, कभी नहीं गए, तो उसको तो बिल्कुल भी आदत नहीं होती गर्मी की और ठंडी की भी आदत नहीं है बच्चों को, लेकिन ठंडी में हम फिर भी चले जाते हैं क्योंकि कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन गर्मी, माय गॉड, गर्मी झेलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि गर्मी मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती है बहुत, मतलब मेरे को भी ऐसे गर्मी में बहुत परेशानी होती है। तो अब तो पुणे में भी गर्मी पड़ने लगी है बहुत, इस बार जो गर्मी पड़ी थी उसने हमें बस नानी याद दिला दी बहुत गर्मी थी इस बार, पर ठीक है धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ेगी तो हम लोग एडजस्ट कर जाएंगे, लेकिन हाँ एकदम से यहाँ से गर्मी में जाने का मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं 10th जून से, तो मौसम अच्छा हो गया है, अब थोड़े दिन ही बचे हैं बच्चों के स्कूल के, आज है 27th, मतलब 10-13 डेज बचे हैं बच्चों के स्कूल के खुलने में,
पूरी छुट्टियाँ निकल गई ऐसे ही घर में, और हस्बैंड का तो टूर चलता ही रहता है, हम लोग घर पे रह जाते हैं। गर्मी में एक्चुअली कहीं जाने का मन भी नहीं करता कि कहाँ जाएं गर्मी में, क्योंकि वही है कि बच्चे हैबिचुअल नहीं है गर्मी के। कहीं आप जाओगे बाहर तो आप घूमना पड़ेगा, आपको घूमने के लिए धूप में निकलना पड़ेगा, तो वो ही सब चीज़ें हैं। इसलिए इस बार हम कहीं भी घूमने नहीं गए, और देखते हैं 15 दिन की 13 दिन बचे हैं। 31 को मेरे हस्बैंड आएंगे वापस, तो क्या कहीं जा पाएंगे देखते हैं। तो गाइस मैं अपने फेवरेट प्लेस पर खड़ी हूँ, सोच रही हूँ एक दो वीडियो शूट कर लूँ तो मैं अब आप लोगों से विदा लूँगी, ठीक है, बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ अपनी, ठीक है।